चिकन पॉपकॉर्न, नाम तो सुना होगा। रसोई कंपनी की तरह आप भी इसकी दीवाने लगते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। दो बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लेंगे, उसे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। दो टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, एक टीस्पून काली मिर्च, एक कप आटा, एक फेंटा हुआ अंडा, दो से तीन टेबलस्पून दूध के, एक कप ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, एक कप कॉर्नफ्लेक्स क्रश किए हुए, एक टीस्पून ओरिगानो, एक टीस्पून चिली फ्लेक्स, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम चिकन के छोटे क्यूब्स कर लेंगे, उसमें नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेसिकली इसे मैरिनेट करना है। फिर एक प्लेट लीजिए, उसमें ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा या कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालिए नमक और काली मिर्च और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि सब अच्छी तरह से मिल जाए। अब दूध में अंडा डालिए और उसे ऐसे फेंटिए। अब रसोई कंपनी का टॉप सीक्रेट, ये इसमें क्रंची नेस लाने वाला है दोस्तों, ये है कॉर्न फ्लेक्स। और इसके अंदर डालेंगे ब्रेड क्रम्स, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर और फिर उसे ऐसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेसिकली ये एक कोटिंग है। अब हम हमारे चिकन क्यूब्स लेंगे। सबसे पहले हम उसे मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर में डालेंगे, फिर अंडा और दूध के मिक्सचर में डाल के उसे कॉर्न फ्लेक्स और ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में कोट करेंगे। दूसरी बार भी हम सेम प्रोसीजर दोहराएंगे ताकि कोटिंग अच्छी तरह से लग जाए। इसे अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसे गोल आकार देंगे कुछ ऐसे हथेलियों से, फिर इसे साइड में रख देंगे और बाकी चिकन पॉपकॉर्न भी ऐसे ही बना लेंगे। दिखने में कितने खूब लग रहे हैं ना। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल गरम कीजिए और एक एक चिकन पॉपकॉर्न को ऐसे तेल में फ्राई कीजिए। रसोई कंपनी में चिकन पॉपकॉर्न की बहुत सारे फैन हैं। इसे आप कभी भी बनाकर खाइए। ईद का फेस्टिवल भी आ रहा है तो ईद के लिए ये बहुत ही अच्छा पकवान है दोस्तों। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे कढ़ाई में से निकाल लीजिए। देखिए ये कितने खूब लग रहे हैं, अभी ही खाने का मन हो रहा है ना। एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर इसे डालिए ताकि ये सारा तेल अब्सॉर्ब कर पाए। इसे केचप के साथ खाइए, मस्टर्ड सॉस के साथ, मेयोनीज के साथ, ये बेहतरीन ही लगेगा। रसोई कंपनी का चिकन पॉपकॉर्न।